फैमिली है, उसका हस्बैंड नहीं रहते हैं, उनका बीवी या बच्चा, छोटा छोटा बच्चा रहते हैं। वो काफ़ी गरीब है, बच्चा लोग को ज़रूरतमंद है, लेकिन ऐसा है कि वो औरत माने ठीक नहीं है, उन गलत रास्ता इख्तियार करती है, तो उनको देना, सदका या जकात देना जायज़ है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ऐसी अगर और उसके अंदर किसी भी तरह की अगर कोई खराबी हो तो सबसे पहले तो उसको समझाना चाहिए और उस बुराई से उसको रोकना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये वाजिब है, वो सारे लोग जो उसके आसपास रहते हैं उनके ऊपर वाजिब है कि उसको किसी भी गलत काम से रोकें। दूसरी बात ये कि जो ज़कात है, ज़कात के इस्तेहकाक के लिए नेक होना शर्त नहीं है, बल्कि जकात के इस्तेहकाक के लिए मुसलमान फकीर होना शर्त है। अगर कोई मुसलमान फकीर है तो उसको आप जकात दे सकते हैं। और ऐसा इंसान जो किसी गलत रास्ते पर जा रहा है, मुमकिन है अपने फक्र की वजह से गलत रास्ते पर जा रहा हो। कई सारे लोग, कमजोर ईमान के लोग, अपनी गरीबी की वजह से किसी के कोई गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तब तो और भी उसको देना चाहिए ताकि उसकी जरूरत पूरी हो जाए। हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हिदायत दे और वो सही सीधे रास्ते पर आ जाए, लेकिन इन सब चीजों से पहले सबसे पहले उसको समझाएं, उसको मना करें इस तरह की किसी काम से। वो डायरेक्ट कहती है मेरा कोई नहीं है तो मैं तो करूंगी, बच्चा लोग को कैसे देखूंगी। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को और इतना देना चाहिए आसपास के लोगों को कि उसकी जो दुनियावी परेशानी है वो दूर हो जाए। और हो सकता है कई कमजोर ईमान के लोग इसी वजह से गलत रास्ते पर चले जाते हैं।